लाख के पार 24 घंटे में 45,231 नए केस आए सामने। त्योहारी मौसम में कोरोना को लेकर और सावधान रहने की जरूरत है। आंकड़े भले ही कोरोना में गिरावट की बात कर रहे हों, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 45,231 नए केस सामने आए हैं और 496 कोरोना संक्रमितों ने अपनी जान गंवाई है। अब तक इस वायरस की चपेट में आकर 1,22,607 लोग मौत के मुंह में चले गए हैं। देश में कुल मरीजों की संख्या 82 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। कोरोना वायरस से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 75,44,798 के पार पहुंच गई है। एक्टिव केस भी घटकर 5,61,908 पर आ गए हैं। ICMR के मुताबिक 1 नवंबर तक कोरोना वायरस के कुल 11,07,43,103 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 8.55 लाख सैंपल की टेस्टिंग कल की गई। भारत में COVID-19 के मामलों की संख्या 7 अगस्त को 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख, 5 सितंबर को 40 लाख, 16 सितंबर को 50 लाख, 28 सितंबर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख और 29 अक्टूबर को 80 लाख के पार हो गई थी। स्पेशल डेस्क TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।